हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम कुक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाना की टिक्की, जो हम व्रत में खा सकते हैं। आप ऐसे भी नॉर्मल भी खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है सोक्ड साबूदाना, जिसे मैंने एक घंटे पहले भी गोया था, दो आलू और दो हरी मिर्च। तो हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम और कुछ नहीं डालेंगे, नमक भी नहीं डालेंगे। और अगर आप नमक खाते हैं तो सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ कप के करीब लिया है क्रश्ड पीनट है ये, जो मैंने रोस्ट किया हुआ है। और यहाँ हम अपने बॉइल्ड पोटैटो को डाल देंगे इसके अंदर, और साबूदाने को भी डाल देंगे। तो मैंने साबूदाने को आधे एक घंटे पहले भिगोया है। एक कप साबूदाना है, एक कप पानी डाल के ही भिगोया है मैंने। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने मैश कर लिया है। अब हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे। हरी मिर्ची मैं लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में जलन होने लगती है, तो आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका अब टिक्की बनाते हैं। तो ये देखिए मैं इसे हाथों से दबा दूंगी थोड़ा। ये देखिए कितने अच्छे से टिक्की बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए हम सारे टिक्की तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे टिक्के तैयार कर लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ सैलो फ्राई कर रही हूँ, और आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके सारे टिक्के को डाल देंगे। आप इतना ही डालें जितना इसमें आ सके। तो मेरा एक बार में चार टिक्के आएगा, तो मैं चार डाल रही हूँ। तो इसे मीडियम फ्लेम पे करके छोड़ देंगे कुछ देर। टच नहीं करना है, बस कलर चेंज होगा फिर टर्न करना है हमें। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक साइड से हमारे टिक्की अच्छे से कलर चेंज हो चुके हैं। तो अब हम दूसरे साइड से भी टर्न कर लेते हैं इसे, और इसे भी 5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं हमारे टिक्की। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।